ECHS पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में कंसल्टेटिव कमेटी का आयोजन किया गया, जिसमें ECHS पॉलिटेक्निक मुरादाबाद ने पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रित परिवार को मिलने वाली मेडिकल सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी व नए ECHS कार्ड बनवाने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। मेट्रो हॉस्पिटल की टीम ने हृदय रोग संबंधी कैंप तथा सेंटर फॉर साइट नेट कैंप का आयोजन किया, जिसमें लगभग मंडल के 500 व्यक्तियों ने स्वास्थ्य जांच कराया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक एवं उनके परिवार के सदस्य तथा ECHS पॉलिटेक्निक से मेजर JP सिंह, मेजर लीलांबर तोड़, सूबेदार राजभान सिंह, सूबेदार मेजर फूल सिंह, हवलदार सुधीर सिंह, मोहम्मद शाह आलम, विनीत कुमार, प्रीति गंगवार, सोनिया, मंजू आदि भारी संख्या में स्टाफ उपस्थित रहा। ये हमारे भारतवर्ष के पूर्व सैनिकों के लिए ECHS है, ECHS एक्सर्सिसमेंट कंट्रीब्यूटी हेल्थ स्कीम का मतलब है पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना। ये चलाई जा रही है पूरे भारत में और पूरे भारत में 404 ECHS यहाँ पे उपलब्ध है और 404 ECHS एक आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली की तरफ से वहाँ पे चलाई जाती है मिलिट्री की तरफ से। हम लोगों को जितना पैसा मिलता है जो ट्रीटमेंट के लिए एक्स सर्विसमैन को पैसा मिलता है, मान लो ऑफिसर्स को 5,000, JCO को, ऑर्डिनरी कैप्टन्स को या उनको 3,000, फिर JCO को या नीचे वालों को 2,000-1,000 मिलता है, हम सब अपना पैसा इसमें जमा कर देते हैं। अब जो स्कीम शुरू होती है सबसे पहले ऑफिसर्स इसमें 1,50,000 रुपया जमा करके मेंबर बनता है। अब नहीं, इस साल से 1,50,000 रुपया जमा करेगा तो वो मेंबर होगा। JCO जो होगा वो 67,000 रुपया जमा करेगा तो वो मेंबर होगा ECHS का, और सिपाही जो होगा वो आकर के 37,000-30,000 रुपये जमा करेगा तो वो सिपाही मेंबर ECHS का अब होगा। हम लोग पुराने मेंबर हैं, हम लोग तो 10,000-5,000-10,000-15,000 में मेंबर बन गए थे और पूरा लाभ उठाते हैं। 1 रुपए से लेकर के 1,00,000 तक का, 10,00,000 तक का, 5,00,000 तक का, यहाँ तक ऐसे पेशेंट हमारे हैं जिनको के हम लोग यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, और कैंसर के पेशेंट भी है, सारे पेशेंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं होता है। एक पेशेंट हमारे यहाँ है, आज आया नहीं है, 40,00,000 रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ है और वो पेशेंट हेल एंड हार्ट ही है, बड़ा फर्स्ट क्लास है। हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान भी हुआ है, कुछ लोग जो बुजुर्ग थे उनकी डेथ भी हो गई है, मगर हम लोग हर एक एक्सर्विस मैन की देखभाल करते हैं। हम लोग जहाँ तक हो सकता है 24 आवर्स सर्विसेज अवेलेबल हैं। वैसे हमारा यहाँ जो टाइम है 8 बजे से लेकर के और शाम को 4 बजे तक है, हम लोग आकर के 24 आवर्स टेलीफोन खुला रहता है हमका कि सीरियस भी होता है तो हमारे जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है, आज यहाँ पर किस चीज का शिविर लगा हुआ? आज यहाँ पे शिविर लगे हुए हैं, हार्ट का शिविर है और यहाँ पे हड्डी का शिविर है और यहाँ पे आँखों का शिविर है और यहाँ पे जनरल शिविर लगा हुआ है। इन शिविर को दिल्ली वाले से, दिल्ली जो है मेट्रो हॉस्पिटल हृदय रोग संस्थान है उसकी टीम आई हुई है, और आँखों की सेंटर फॉर साइट है जो हमारे मुरादाबाद में हमारे एम्पेनल्ड है हॉस्पिटल, उसकी टीम, दोनों हॉस्पिटल हमारे एम्पेनल्ड है। इन हॉस्पिटल में जाएंगे या और हॉस्पिटल में जाएंगे फ्री ट्रीटमेंट होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सिपाही का बच्चा या सिपाही या उसकी पत्नी या उसके फादर या उसकी मदर, उसका वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो कि और बड़े अस्पताल में मेट्रो है, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल वहाँ पे दिल्ली वाले हैं, जो कि एक मिनिस्टर के बच्चों को दिया जाता है। आज यहाँ पर किस चीज़ की आज हमारी ऐसा है कि आखिरी सैटरडे के दिन, महीने के आखिरी सैटरडे के दिन हमारी मीटिंग होती है, और मीटिंग में यहाँ पर हम लोग इकट्ठे होते हैं सारे एक्सर्विसमैन, उनको सारे रूल्स और रेगुलेशंस और सारे काम बताए जाते हैं, और उनकी जो फरियाद है, उनकी जो किसी को दवाई नहीं मिली है, कोई परेशानी है, कोई हॉस्पिटल परेशान करता है, उनकी फरियाद सुनते हैं। सुनने के बाद में एक कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग होती है, इसमें हमारे शर्मा जी है, कर्नल शर्मा है, ये अध्यक्ष हैं, और हमारे टॉट साहब है, ये हमारे सेक्रेटरी हैं, और ये पूरी कंसल्टेटिव कमेटी यहाँ बैठी हुई है, सारे मेंबर्स हैं, करीब 10-15 मेंबर्स हैं इसमें। कंसल्टेटिव कमेटी का दिया हुआ है कागज, यहाँ पड़ा होगा यहीं पे है, तो ये सब मेंबर्स होते हैं इसके। किन किन बीमारी की जांच हो रही है, क्या यहाँ पर मेडिसिन भी उपलब्ध कराई जा रही है? फ्री मेडिसिन,
यहाँ पर फ्री मेडिसिन उपलब्ध हम लोग कराते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं, हॉस्पिटल में कोई पैसा चार्ज नहीं। जो भी पेशेंट आएगा उसको ट्रीटमेंट पूरी तरीके से फिट रखने के लिए हम लोग यहाँ पे कराते हैं। ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट है जो कि यहाँ पे जो किडनी के प्रॉब्लम्स हो रखी है, जिनको क्या हर हफ्ते में दो दो बार क्या कराते हैं किडनी में, डायलिसिस कराते हैं हफ्ते में दो बार, वो दो बार हम लोग डायलिसिस कराते हैं हफ्ते में, तो वहाँ जा कर के वो ट्रीटमेंट देते हैं। फ्री ट्रीटमेंट होता है, कोई पैसा उसका नहीं लगता कहीं भी जाकर के। हमारे यहाँ सारा कंप्यूटराइज है।